आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। बात करेंगे यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में। देखिए, ये रिसेंट नोटिफिकेशन है, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज को आउट किया गया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी जो वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशन थी, जो रेलवे की जॉब जॉब्स थी, उसके रिलेटेड जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आउट हुई हैं, प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। जो रेलेवेंट जो भी मीटिंग रही थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के मेंबर्स की, उसके रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी हमारे प्लेटफॉर्म पर, उसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ही आउट हुई जो वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन की पोजिशन, उनके बारे में। 9,000 से भी ज्यादा ये वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं, एंड टेक्नीशियन की ये पोजीशंस आने वाली हैं। इसके रिलेटेड मेंबर्स ने पहले ही बता दिया था कि टेक्नीशियंस की पोजीशन को आउट किया जाएगा। अब 9,000 से भी ज्यादा ये वैकेंसीज को आउट किया गया है टेक्नीशियन की ये पोजीशन। अब वैकेंसीज कौन सी रहेंगी यहाँ पर, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की ये वैकेंसीज हैं, ग्रेड 3rd में ये वैकेंसीज को आउट किया गया है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 9th मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कुछ भी ऑफलाइन सबमिट आपको नहीं करवाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे और 8th अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन ही यहाँ पर पेमेंट आपको सबमिट करवानी होगी, लेकिन यस, आफ्टर द एप्लीकेशन। यूजली क्या होता है कि अप्लाई करते हुए स्टूडेंट से बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है वो भी ओपन की जाएंगी। 9th अप्रैल से लेकर 18th अप्रैल तक यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगी। इन केस अगर आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इनकम्प्लीट रखे हैं, या फिर आपने अप्लाई ठीक से नहीं किया, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक रह गई है, एडिटिंग का ऑप्शन है, वो ओपन होगा, विंडो ओपन होगी, एंड देन यू कैन एडिट दी एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन पहले याद रखिए 8th अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। मेरी सजेशन यही रहेगी, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, केयरफुली अप्लाई कीजिए ताकि यहाँ पर आपकी कोई भी मिस्टेक्स ना हो। एंड यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड की 1,000+ वैकेंसीज आउट की गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में यहाँ पर 8,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। ये ग्रैंड टोटल है, 9,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज को आउट किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है। मेंबर्स की पहले मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि टेक्नीशियन की पोजिशन आउट होगी, एंड यहाँ पर पोजीशंस हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो भी यहाँ पर आउट कर दी गई हैं। सो प्रॉपर ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे, काफी डिटेल में ये नोटिफिकेशन इस बार आउट की गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, तो ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा एंड हर एक चीज को गो थ्रू जरूर कीजिएगा। एंड यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर फाइनल अपनी मार्कशीट्स का या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब कौन अप्लाई कर सकते हैं, रफ आइडिया जरूर दूंगी। अगर आपने बीएससी की हुई है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की हुई है, डिप्लोमा किया है, आईटीआई पास है, 10th क्लास पास है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस टेक्नीशियन पोजिशन। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हैं अपने लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का या लास्ट ईयर के रिजल्ट का, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा कंप्लीटली आपको, लेकिन यस, जो ऑल इंडिया एप्लीकेशंस है उसमें यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज के बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली प्रोवाइड किए जाएंगे। अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पर ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं, एंड यहाँ पर आउट की गई है वैकेंसीज 9,000 से भी ज्यादा। अब कौन कौन से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, उसके रिलेटेड मैं जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को जरूर कंप्लीट कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कवर करने वाली है। मेडिकल फिटनेस है, वो यहाँ पर होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, सूटेबल हो पोस्ट के लिए। 18 से लेकर 36 ईयर्स तक की जो एज लिमिट है वो यार रहेंगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, लेकिन 18 से 33 ईयर्स तक की एज लिमिट रहेगी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए। यहाँ पर 1 के लिए 36 है एंड 3rd के लिए यहाँ पर 33 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा यहाँ पर, आरआरबी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ फॉलो किया जाएगा, उसे भी हम कवर करेंगे। एंड ये जो रेलवे के जोन्स है, पोस्ट की कैटेगरीज है, उसके प्रॉपरली यहाँ पर रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए। ईमेल आईडी जो यूज करेंगे, प्रॉपर वैलिड ईमेल आईडी को यूज कीजिए, ताकि आपको जो भी एसएमएस या ईमेल्स आने वाली हैं, या मोबाइल नंबर भी जो आपका है वो करेक्ट होना चाहिए, जो भी वर्किंग है वो होना चाहिए, ताकि जो एसएमएस है या फिर जो ईमेल्स है वो आपको आए, वो प्रॉपरली आ सके। आपको अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा और अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ नोटिफिकेशन को, बिकॉज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन कंप्लीट हो, आपको पता हो कि क्या क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है वो मेंशन की गई है। लेटर ऑन मैं जरूर डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं फॉर्म को।
यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस नोटिफिकेशन को ही करेंगे एंड यहाँ पर अप्लाई करना होगा कैंडिडेट्स को 18 अप्रैल तक। यहाँ पर एप्लीकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, वैसे तो यहाँ पर 8 अप्रैल है लेकिन 18 अप्रैल तक यहाँ पर एडिटिंग विंडो ओपन रहेगी एंड यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं कैंडिडेट्स। उसके बाद यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, सीबीटी रहेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो कोई भी गेस वर्क आपका नहीं चल सकता है यहाँ पर। कौन कौन से एग्जामिनेशन के टाइम पर बैंड आइटम्स रहेंगे उसके रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है एडमिशन को रिलेट लेकर, या फिर आपका जो ई कॉल लेटर है उसके रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है बताई गई है कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर। एंड ये जनरल इंस्ट्रक्शंस तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी है कि अगर कोई भी कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको गवर्नमेंट पोस्ट से निकाला गया है या फिर पीएसयू या स्टेट गवर्नमेंट पोजिशन से निकाला गया, वो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट पोजिशन आपको पहले यहाँ पर निकाला गया है। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे, कोई चेंज नेम है तो उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। यही जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्लियर किया गया है। पोस्टिंग रहेगी यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्टिंग रहेगी। फ्री ट्रेन फैसिलिटी यहाँ पर रहेगी, जो भी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते ही हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स को, अगर आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, ऑन योर रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मेंशन की गई है। अप्लाई करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है, हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, प्रोवाइड किया गया है, आप इन्हें भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो भी स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस है वो चेक की जाएंगी, वो मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेगा यहाँ पर, एप्लीकेशन का जो क्राइटेरिया कौन अप्लाई कर सकता है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में क्लियर किया गया है। एज लिमिट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर 18 से 33 ईयर्स तक की एज लिमिट रहेगी। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, जो प्रिस्क्राइब्ड एज है नॉर्मल कोर्स में, वो यहाँ रहेगी। लेकिन यस, जो CEN में रहेगा वो यहाँ पर 18 से 36 ईयर्स तक की एज लिमिट रहेगी। 18 से 30 यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड के लिए, 18 से 33 यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगी टू CEN। एज रिलैक्सेशन है वो टोटली प्रोवाइड की जाएंगी कैंडिडेट्स को एज पर देयर रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर। एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक्स सर्विसमैन है, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते ही है, प्रॉपर कैटेगरी है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, रिलैक्सेशन ले सकते हैं यहाँ पर। जो एज लिमिट है बर्थ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। यूजली क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होती है कैंडिडेट्स को बर्थ ऑर्डर को लेकर, तो वो यहाँ पर क्राइटेरिया को टोटली क्लियर किया गया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर ना रहे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एजुकेशन से रिलेटेड कंप्लीट एजुकेशन है वो रिक्वायर्ड रहेगी। 250 से लेकर 500 तक यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहेगी कैंडिडेट्स के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेगी उनके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं सबमिशन रहेगा यहाँ पर। एंड जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है लाइक लास्ट डेट तक ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, वो सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस क्लियर की गई है। इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड जो क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनके लिए बताया गया है क्राइटेरिया। अब देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है ना जो आउट की गई है, काफी डिटेल में यहाँ चीजें मेंशन की गई है रिजर्वेशन को लेकर स्पेशली, ताकि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा कंप्लीटली अपनी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मीटअप आपको करना होगा ताकि आपको रिलैक्सेशन मिल जाए आपकी रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ही। तो यहाँ पर PWD कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, SC ST OBC कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर रहेगा जो भी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं एंड यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं इन पोजीशंस के लिए। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 9,000 से भी ज्यादा की पोजीशन, जो कि यहाँ पर 9,144 वैकेंसीज आउट की गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, CBT के बिहाफ पर सिलेक्ट हो रहा है। फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट पोजीशंस हैं ये। तो यहाँ पर CBT के रिलेटेड, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं रिटन एग्जाम के रिलेटेड, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि प्रोवाइडेड है, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यहाँ पर, वो कंडक्ट किया जाएगा। 90 मिनट्स का यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कोई भी यहाँ पर गेस वर्क नहीं चल सकता है।
क्वालिफाई कौन करेगा यहाँ पर, वो क्राइटेरिया बताया गया 40% तक यहाँ पर रहेंगे क्वालिफिकेशन मार्क्स, जो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर प्रोविजन अलग है। अब सिलेबस क्या रहेगा इन वैकेंसीज का, ये भी क्वेश्चन होता है कैंडिडेट्स का, वो सारे डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं नोटिफिकेशन में। ये बेसिक है, ये बेसिक जो सिलेबस है वो यहाँ पर बता दिया गया है इन पोजीशंस के लिए। अब बात आती है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, ये जो सिलेबस था वो टेक्नीशियन ग्रेड वन के लिए था। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया सेम है, यहाँ पर सीबीटी होगा, रिटन टेस्ट होगा उसके बिहाफ पर, उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे एंड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा आफ्टर द मेडिकल। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए रिटन एग्जाम का क्राइटेरिया है वो मेंशन किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं रिटन एग्जाम के लिए, फिल आउट कर दीजिए इंक्वायरी फॉर्म, बिकॉज योर पीडिया प्रॉपर रिटन एग्जाम प्रिपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सभी वैकेंसीज के लिए। अब इन पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन यस और भी ज्यादा डिटेल में जानना है कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये सारी चीजें मैं इंस्ट्रक्शंस है वो बता रही हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, उसे आप गो थ्रू कर सकते हैं, अवेलेबल रहेगी हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पर लिस्ट बताई गई है कौन कौन सी आरआरबी की वेबसाइट है जिस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल इंडिया एप्लीकेशंस तो है ही, तो जो भी आपको स्टेशन नियर है उन पे आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पोजीशन के लिए। जनरल गाइडेंस है वो यहाँ पर क्लियर की गई है, मॉडिफिकेशन और एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स एडिट का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा कैंडिडेट्स के लिए। एंड सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 9 मार्च से, 8 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। 9 से 18 अप्रैल तक यहाँ पर आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, जो भी चेंजेस है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। कौन कौन से फॉर्म रिजेक्ट होंगे जरूर नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, इन सब चीजों को डिटेल में सारी चीजों को क्लियर किया गया है, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत होते हैं कैंडिडेट्स के कि ये क्राइटेरिया रहेगा तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो वो जनरल इंस्ट्रक्शन चाहे कॉल लेटर से रिलेटेड हो, रिटन एग्जाम से रिलेटेड हो, वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। अब देखिए हमने इस नोटिफिकेशन में काफी कुछ कवर किया, लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स रहेंगे, वो रहेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, वो मैं अब बस कवर ही करने जा रही हूँ यहाँ पर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे मेंशन किए गए हैं, लेकिन ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू गो कि यस आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं पोजीशंस के लिए। जनरली मैं बता चुकी हूँ डिग्री की है, डिप्लोमा की है, आईटीआई पास है, इंजीनियरिंग साइंस डोमेन से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रहेंगी पोजिशंस के लिए। बैचलर्स डिग्री की हुई है, ये टेक्नीशियन ग्रेड वन की पोजीशन के लिए मैं बता रही हूँ, बैचलर्स डिग्री की है, डिग्री डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग डोमेन से है, साइंस डोमेन से कर सकते हैं अप्लाई। रेस्ट ऑफ द वैकेंसीज के लिए यहाँ पर आईटीआई रिक्वायर्ड रहेगा, 10th पास आपने की है, आप टोटली एलिजिबल है। चेक करते रहिए यहाँ पर कौन कौन से डिसिप्लिन को इंक्लूड किया गया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया गया है उसी पर आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा और वही आपके पास होना चाहिए। आईटीआई पास अगर आपने की है तो रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपकी आईटीआई को पास होना होगा। यस कुछ वैकेंसीज ऐसी रहेंगी जिसमें 12th क्लास भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, तो उसे भी जरूर गो थ्रू कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। अब यहाँ पर आरआरबी के नेम बता दिए गए हैं, अहमदाबाद में है, अजमेर में वैकेंसीज को आउट किया गया है, और देखते रहिए कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है। क्वेश्चन रहते हैं कैंडिडेट्स के कि मेरा अगर स्टेशन है मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ तो कितनी वैकेंसीज रहेंगी। अब अजमेर में वैकेंसीज को आउट किया गया है, बेंगलुरु में है, यहाँ पर आप चेक करते रहिए, क्लियर क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, मैंने हाईलाइट तभी किया है। यहाँ पर भोपाल में है, भोपाल में जो स्टेशन रहेगा वहां पे आरआरबी का, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। भुवनेश्वर में यहाँ पर रहेगा, बिलासपुर में रहेगा कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। चंडीगढ़ यहाँ पर है, इसके में कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, गुवाहाटी यहाँ है, तो यहाँ पर देखते रहिए स्टेशन। एंड यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट आउट की गई है, ये 9,000 से भी ज्यादा पोजीशन है, ऑल इंडिया एप्लीकेशन है। एंड यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन, कितनी पोजीशन आउट की गई है आपकी कैटेगरी में एंड यस आपके एरिया में, तो वो आप चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं इस फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन में। देखिए कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है आरआरबी की तरफ से, ये जो वैकेंसीज आउट हुई है इस बार, एंड फुल नोटिफिकेशन देखिए कितने डिटेल में हर एक चीज को बताया गया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, एंड रिजर्व जो कैटेगरी से बिलोंग करती है उनके रिलेटेड बहुत ज्यादा क्राइटेरिया मेंशन किया गया है।
बाकी आप चेकआउट करते रहिए कौन कौन सी वैकेंसीज में आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन है जिसे आपने अभी यहाँ पर गो थ्रू की है। अब जो फॉर्मेट है यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज के वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, यहाँ पर जरूर इसको चेकआउट कीजिएगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, चाहे आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं या फिर आप रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया है क्लियरली मेंशन किया गया है। अब देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है इस नोटिफिकेशन में, फिर भी मैं ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो शेयर करने वाली हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, यॉरपीडिया जॉब अपडेट्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन लिंक हुआ, ये फुल नोटिफिकेशन हुई, उस सब मैं प्रोवाइड करूंगी वहां पर। एंड यस, मैं नेक्स्ट वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको फिल आउट करना है फॉर्म। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आउट की गई है रिटन एग्जाम के लिए, यॉरपीडिया प्रिपेयर करवा रहा है, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया गया है, प्रिपेयर कीजिए हमारे साथ। एंड यस, जितनी भी 9,000 प्लस वैकेंसीज हैं उसे टारगेट कीजिएगा। जो ये क्राइटेरिया है वो आप देख ही चुके हैं, यहाँ पर क्लियर क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।